आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो आज जो मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ वो है सेंट बोटानिका प्रोमो ग्रेनेट रेडिएंट ग्लो स्किन बैलेंसिंग फेस वॉश. एंड इसकी जो पैकेजिंग है एक प्लास्टिक ट्यूब में आती है, इनसाइड अ पेपर बॉक्स. पेपर बॉक्स भी आता है इसका बाहर से रेड कलर का. और जो डिज़ाइन है और पैकेजिंग है बहुत अच्छी लगती है मुझे, लग्जूरियस लगती है, बिल्कुल रेड कलर की है. प्रोमो ग्रेनेट रेड भी नहीं कह सकते, प्रोमो ग्रेनेट कलर ही है इसका. एंड इसका जो सेंट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा. एक स्वीट कैंडी के जैसे इसका फ्रेग्रेंस है, बट या इट्स गुड. मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनको अच्छी नहीं लगती है स्ट्रॉन्ग स्मेल्स तो उनको अच्छा नहीं लगेगा. और अगर अब इसकी कंसिस्टेंसी की बात करी जाए तो जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी. और आपको बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट चाहिए होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करना है, एक ड्रॉप से ही आपका पूरा फेस वॉश हो जाएगा ढंग से. और ये सारी स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है. मेरी ऑयली एंड एक्ने प्रोन है तो मुझे इसको यूज़ करते करते 1 से 2 वीक हो गया है, मुझे कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं लगे हैं. सेंसिटिव स्किन वाले भी मैंने देखा है बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक, बट स्टिल सबकी स्किन डिफरेंट होती है तो एक बार आपको हमेशा पैच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए. बट यस, ये ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो इसने काफ़ी अच्छे से ऑयल, डर्ट, पॉल्यूशन, टॉक्सिन सारे निकाल लिए थे. मतलब मेरी स्किन ऑयली नहीं लगती है इसको यूज़ करने के बाद. तो ऑब्वियसली ड्राई स्किन वालों के लिए ये नहीं है. आप लोग इसको फेस वॉश को यूज़ मत करना. आप इसके दूसरी रेंजेस भी आई हैं, विटामिन सी भी आया, मैंने विटामिन सी का फेस वॉश भी लिया है. मैं उसका रिव्यू भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. सो अब मैंने अपना फेस वाटर से थोड़ा वेट कर लिया है ताकि मैं इसको यूज़ करके दिखा सकूँ आपको. तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है और आप इसे बहुत ही जेंटली यूज़ करें. और ये बिल्कुल जेंटल लगता है आपकी स्किन में, बिल्कुल जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी. ये ज़्यादा लेदर फॉर्म नहीं करता है तो ये, बट अच्छे से काम करता है, अच्छे से प्रोडक्ट वोडक्ट पूरा निकाल देता है. और मैंने जान पूछ के इसमें आईलाइनर एंड लिप शेड लगा के रखा था. मैं देखना चाह रही थी कि ये प्रोडक्ट मेकअप को निकालता है कि नहीं निकालता है. और ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने जो इसमें यूज़ करे हैं वो सारे वाटरप्रूफ हैं, तो मैं देखना चाह रही थी कि ये वाटरप्रूफ मेकअप को अच्छे से निकालता है नहीं निकालता है. सो इट्स अ प्लस पॉइंट, ये वाटरप्रूफ मेकअप को बहुत अच्छे से इसने निकाल दिया है तो मुझे अब मेकअप रिमूवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं सीधे यही फेस वॉश यूज़ करूँगी और ये अच्छे से मेरा मेकअप निकाल लेगा. मैंने फेस में कुछ नहीं लगाया था, मैं फेस में जनरली कुछ नहीं लगाती हूँ, मैं फेस को नॉर्मल रहने देती हूँ. बट मैं आईलाइनर एंड लिप शेड जरूर लगाती हूँ बिकॉज दे चेंज द होल लुक. तो आप अब देख सकते हैं 1 मिनट तक आप इसे धोइए और फिर आप फेस वॉश बिल्कुल अच्छे से साफ कर दीजिए वाटर से. और आप देख सकते हैं अब मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रही है एंड इसने काफ़ी अच्छे से मेरा ऑयल, टॉक्सिन्स, डर्ट, पोल्यूशन सब निकाल दिया है. और आजकल इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है तो मेरा स्किन बहुत चिपचिप हो जा रही है तो इसको यूज़ करने के बाद वो भी नहीं लगता है. तो आप इसको 2 बार तो ज़रूर यूज़ करा कर करें पूरे दिन में. और अगर मैं बताऊँ कि पॉकेट चेक करा जाए इसका कि कितना प्राइसी है, तो यस इट्स अ लिटिल बिट प्राइसी, बट जो क्वालिटी है एंड क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट की मुझे काफ़ी अच्छी लगी. इसलिए मैं इसको बोलूँगी कि आप लोग अगर अच्छा प्रोडक्ट कोई ख़रीदना चाहते हैं और स्पेशली जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो वो इसे ज़रूर ट्राई करें बिकॉज दिस इज़ रियली ग्रेट. एंड मुझे सेंट बोटानिका के प्रोडक्ट्स रियली में बहुत अच्छे लगते हैं. मैंने इसके शैम्पूज़ भी यूज़ कर रहे हैं, इसके फेस वॉश भी यूज़ कर रहे हैं, अब इसके क्रीम एंड सीरम्स यूज़ नहीं करें अभी तक. मैं सोच रही हूँ वो भी यूज़ करूँगी, बट मैं बोलूँगी आप इसको ज़रूर ट्राई करें. मैं इसको 4 out of 5 दूँगी. So thank you guys for watching my video. I hope you really enjoyed it. Then do not forget to give it a thumbs up and please मेरे channel को subscribe करना ना भूले. जो red color का button है उसको click करें, बिल्कुल free होता है. And उसके just next में एक bell icon होता है उसको भी click करें ताकि आपको मेरी latest notification सबसे पहले मिले. Bye bye.